बहुत बहुत स्वागत है जसलीन कौर रॉयल का हमारे साथ, जो कि सेल्फ टॉट म्यूजिशियन है। अभी सेल्फ टॉट क्या होता है, मतलब खुद सीखी है, कैसे सीखी है, मुझे बहुत सारी बातें पता है और मुझे जानना है आज जलन टॉप की इस कन्वर्सेशन में। जसलीन बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले, एंड थैंक यू सो मच। यू आर वेरी क्यूट। वन टू, मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जर्नी शुरू कौन सी हुई थी, बिकॉज आई वॉन्ट टू नो इट ऑल। मतलब मुझे ये पता है कि देहरादून जाना होता था और वहां पे फिर पंजाब भी, मतलब ऑफ कोर्स ये बीच में रहता था, तो कहाँ शुरू हुआ, देहरादून में म्यूजिक शुरू हुआ था या पंजाब में हो गया था? मतलब मैं पंजाब से हूँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पंजाब, बट देहरादून में बहुत जाती थी बिकॉज मेरी मासी वहाँ पे रहती है। तो देहरादून से पहले थोड़ा छोटा सा शहर है विकास नगर, तो आई स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी समर वेकेशन इन विकास नगर नियर देहरादून। सो एज अ चाइल्ड तो आई हैव लाइक रियली फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दैट प्लेस। तो मतलब म्यूजिक तो पंजाब से ही शुरू हुआ था। व्हेन आई वाज अ किड तो स्कूल जा रही थी एंड स्कूल में मेरे भाई के पास कीबोर्ड था, तो आई वाज द यंगर सिबलिंग, तो ही गॉट बोर्ड तो आई गॉट इट, है ना। छोटे वाले मूवी भी दे देते हैं। या सो आई गॉट इट एंड देन आई गॉट रियली फैसिनेटेड विद द इंस्ट्रूमेंट। तो मेरे को इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा फैसिनेशन होती थी बिकॉज आई यूज्ड टू फाइंड इट वेरी चैलेंजिंग एंड वेरी इंटरेस्टिंग टू टेक आउट मेलेडीज एंड प्ले द मेलेडीज जो मेरे दिमाग में चल रहा है ऐसे ऐसे करते करते। सो आई गॉट रियली फैसिनेटेड, और फिर एक इंस्ट्रूमेंट के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे ऐसे करके मैंने दैट्स हाउ माई म्यूजिक जर्नी स्टार्टेड। एंड फिर जब मैं गिटार पे पहुंची तो गिटार इज एन इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ आप गाना भी पसंद करते हो, तो आई जस्ट स्टार्टेड सिंगिंग टू अकंपनी माई कॉर्ड्स ताकि मैं कॉर्ड्स सही से बजा पाऊँ और मेरे को एक रेफरेंस मिलती रहे। तो दैट्स हाउ आई लर्न्ड हाउ टू सिंग। तो आई थिंक ये सब कुछ, that's why I say like I'm a self-taught musician because it just happened because I was really fascinated with sounds. तो ये घर में सबसे पहले टैलेंट किसने पहचाना था और किसके सामने ये निकला था? I think मेरे भाई ने पहचाना होगा, बट यूज लाइक हाँ ठीक है, ज्यादा उसे भाव नहीं दिया। तो वो मेरे को सिखा रहा था, वो स्कूल से आया था, तो मैं बोला मेरे को सिखा, तेरे को क्या सिखाया आज, तो मेरे को कुछ राइम सिखा रहा था। जैसे स्कूल में सिखा रहा था हैप्पी बर्थडे ट्विंकल ट्विंकल, दैट्स लाइक योर गो टू लेसन, फर्स्ट लेसन। तो कुछ सिखा रहा था फिर वो भी भूल गया, मतलब ट्विंकल ट्विंकल जैसी मेलेडी वो भूल गया बीच में सिखाते। तो लाइक नहीं मेरे को पूरी करनी है, लाइक आई वाज लाइक कि मेरे को इनकम्प्लीट नहीं छोड़नी है। तो मैं पूरा 2-3 दिन 4 दिन आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई वाज एट इट, तो मैं लगी रही लगी रही लगी रही एंड समहाउ लाइक आई जस्ट गॉट इट कि ओ अच्छा ऐसे होता है। नाउ आई डोंट नो कैसे हुआ, बहुत दिन लगे होंगे फॉर नहीं, श्योर, ठीक है, पर सम मुझे पीपल आर याद। गिफ्टेड आल्सो, या सम पीपल आर जस्ट गुड। हाँ, तो आई आई फिगर्ड आउट एंड देन फिर कुछ भी मूवी, कुछ भी टीवी पे कुछ भी गाना गाना वाना आता था, तो देन इट बिकेम अ गेम इन माय हाउस होल्ड कि बजा के दिखा, अच्छा ये वाला बजा, अच्छा वो वाला बजा, तो दिखा ठीक है। सो आई रिमेम्बर प्लेइंग बॉर्डर के गाने, संदेश से ओ आते हैं, वाओ, ताल ताल के सॉन्ग्स, मोहब्बते के गाने, तो ऐसे ऐसे करते करते देन इट बिकेम अ गेम एंड देन या। वेरी नाइस। अच्छा वो किटी पार्टी वाला भी तो एक किस्सा है। आपने देहरादून मेंशन किया, तो देहरादून में से मैं समर वेकेशन में जा रही थी, तो मेरी मासी और उनके हस्बैंड दे यूज्ड टू गो टू अ कपल म्यूजिकल किटी पार्टी, तो जहाँ पे एवरीवन सिंग द सॉन्ग एंड एवरीवन लाइक अप्रिशिएट्स एवरीवन की वाह वाह क्या गाया क्या गाया क्या गाया। तो इट्स लाइक अ पॉटलक डिनर की सब एक एक चीज घर से बना के लाएंगे एंड इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल लोकेशन, कनाल के डैम के सामने बैठेंगे गार्डन में और वहाँ पे ये सब होता है। तो यू यूज्ड टू फाइंड इट फैसिनेटिंग एज किड्स, तो वहाँ जाते थे एंड मेरी मासी एंड तो वहाँ पे होता ना सब जिसके जिसके जो जो बच्चा आया दे शो शो देम ऑफ कि इसका गाना सुनो इसका गाना सुनो इसका गाना सुनो, तो वहाँ पे दे यूज्ड टू पुट मी फॉर। बेटा गाने तो दे यूज्ड टू वुड बी बॉडी गा के सुनाओ, ये गाना गाओ वो गाना गाओ, तो दैट्स हाउ लाइक यू नो कि वो सिलसिला लाइक म्यूजिक का चलता रहा। घर पे गेम बन गई, कपल वहां पे जा रही थी तो म्यूजिकल किट्टी पार्टी में गाना पड़ता था, तो फिर स्कूल में क्या बोलते कॉम्पिटिशन होने लगे एंड सो दैट्स हाउ इट हैपेंड एंड देन इंडियाज गॉट टैलेंट हैपेंड। सो इट हैपेंड वेरी लाइक आई थिंक ऑर्गेनिकली। तो ये तो हो गई, हमने शुरुआत की बात कर ली, बट जसलीन यू हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट एंड ऑफ कोर्स इतना सारा प्यार मिला है कि जितने भी गाने आई गेस यू हैव संग वो सारे टॉप पर रहे हैं, जब आए हैं तब भी उसके बाद सुने गए हैं। मतलब योर
म्यूजिक जिसे कहते हैं ना वो ग्रो हुआ है लोगों पर, तो कैसा फील होता है जब एक मतलब गाना नहीं चलता, बनता है जब तब नहीं चलता लेकिन बाद में चलता है, तो ऐसा लगता है कि मतलब दिस इज लाइफ, या फिर ऐसा लगता है कि थैंक गॉड चल गया, व्हाट इज द फीलिंग? यार मेरे साथ जो मेरी जर्नी रही है ना उसमें कभी भी ऐसे इंस्टेंटली येट माय जर्नी येट ऐसा नहीं हुआ है कि एकदम से ही चल गया। ऐसे होता है ना कई सॉन्ग ऐसे आते हैं और वायरल हो जाते हैं और लोग बोलते हैं यार हिट हो गया हिट हो गया हिट हो गया, तो मेरे साथ मेरी म्यूजिक के साथ ऐसा नहीं हुआ। बिकॉज जैसे खो गए हम कहा मेरा एक सॉन्ग है, वो लोग अब सुन रहे हैं लाइक इट्स बीन 3 इयर्स एंड तब आया था, तो लाइक सर्टेन पीपल अप्रिशिएटेड इट जो म्यूजिक सुनते हैं, तो फिर सुना ठीक है। तो उसके बाद अब जैसे और गाने आने लगे तो अब खो गए लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लाइक दे कीप टैगिंग अप खो गए वीडियो एंड इट्स लाइक क्रॉस सो मेनी ऑडियो स्ट्रीम्स एंड व्यूज लाइक विदाउट एनी प्रमोशन, सो इट मेक्स मी हैप्पी ऑल्सो कि गाना वर्क कर रहा है, बट समटाइम्स लाइक लाइक इट्स अ वेरी ओवरवेलमिंग प्रोसेस। जब आप गाना रिलीज करते हो तो आपको लगता है चल रहा है चल रहा है चल रहा है नहीं चल रहा है पता नहीं चलता है, ऑनेस्टली बोल रही हूँ, क्योंकि there's so much content you know in the world right now, तो हर minute एक गाना release हो रहा होता है, exaggerated version but हाँ yeah तो sometimes what happens is when this kind of thing happens like Din Shaknar also became famous like out of 4 years, वो तो thanks to Anushka and Virat, वो शादी नहीं करते तो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें नहीं हो पाती। Yeah, true that. So I think the view that I think it's better क्योंकि ऐसे लगता है कि the song stood the test of time, you know, like people are going to listen to it for years to come. So as an artist I obviously feel great क्योंकि मेरे को मैंने मतलब मेरे को बहुत लोग बोलते हैं कि अभी ये नहीं बना अभी ये बना ये हिट होगा ये वो होगा इसमें ये वाला वर्ड डाल दे आजकल ये ट्रेंड चल रहा है, मेरे से वो होता नहीं है like even like when I meet Nachdene Sare from Bar Bar Dekho, it's like a dance number. But if you see it has a melody, like a very strong melody line going on. So it's not very like, मतलब उसमें ऐसा plain drum. हाँ मतलब उसमें मैंने वही बनाया जो मेरे को आता है मतलब कि melody होनी चाहिए गाने में. So I don't know, my journey is a little different. तो मेरे को ऐसे कभी नहीं होता कि वो गाना रिलीज हुआ वो हो गया मतलब 500 million cross कर दिया ये हो गया तो But it has happened with me eventually. Gaana release hone ke baad, it has grown in an organic way steadily. So I think it's great. I have no complaints. Of course. Aur wo jo furry ball mujhe piche dikh raha hai na, uski wajah se bhi gaana hit hua hai. Yes. Uski wajah se hua hai na. Yeah, I keep getting messages. Abhi usko ho gaye 6-7 mahine, but so many people have started. You know, discovering that song. So I think आपकी discography के साथ चलता रहता है कि मतलब आप एक गाना निकाल दो तो लोग पिछला वाला ज़्यादा सुन रहे होते हैं। अब मैं एक और निकालूँगी तो लोग बोलेंगे अरे वो संग रही हो। बच्चे गाने की हम बात कर रहे हैं। Please if you can sing it. This one? Yes. Oh okay. वो cute है वो देख भी रहा है पीछे से। नित नित तेरे उते निंद्रा उड़ाईया बरप पुछ तारी दिन की गवाईया नित नित तेरे उते दौलता लुटाईया जो भी कुछ किया तू मैं कदरा पाईया दिल झुका के मेरा तू ते सो गया है वे याना रुस के बह गया इश्क मेरे तो मन दानी मेरी याना तेरा गया कुछ नहीं मेरा तेरा कुछ नहीं वो तेरा गया कुछ नहीं मेरा रहा कुछ नहीं गल्ला करा सच नहीं वो तेरा गया कुछ नहीं मेरा रहा कुछ नहीं गल्ला करा सच नहीं वो भी एकदम देखो जरा एक्टिव हो गए कह रहा मेरा गाना गाया था सो वो ये वाला आइडिया कैसे आया था मतलब ये डॉग लवर्स के लिए डेडिकेटेड था गाना या क्या था मतलब सीन इट्स अ ब्रेकअप सॉन्ग जहाँ पे आप मूव ऑन कर रहे हो लाइफ के साथ तो ऐसे होता है बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है कि दे
dogs and their pets have, you know, gotten them through the tough phase of life. क्योंकि ऐसे लगता है कि बहुत unconditional love करते हैं हमको. So it's very like it's a very special bond. So that's what the video is about. क्योंकि I think it's very relatable for me in my personal life. क्योंकि that's the bond I share with this guy. Yeah. But Jasleen, you are Punjabi. Of course, Punjabi वहाँ से आती है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए आती है. English तो आती है, हम स्कूल में सीख जाते हैं. गुजराती भी आती है आपको, मैंने सुना. अब मैंने कुछ गुजराती आती नहीं, but I've sung a couple of songs in Gujarati. तो ऐसा आती वाती नहीं है, वो सिर्फ उस वक्त के लिए सीखी है. हाँ, उस वक्त के लिए वो song सीखा था, then उसकी translation सीखी कि क्या मतलब है song का, so that I can sing the way it should be sung. Okay. हाँ, मतलब ऐसे बहुत बार होता है, like I get singers to sing my song जो पंजाबी होते हैं, वो उनको नहीं आती पंजाबी. कई लोग मुंबई से है, born and brought up, so it's the same process. तो मुझे लगता है कि language जैसे barrier नहीं होना चाहिए music और art में. Right, होती भी नहीं है, in fact कोई फर्क भी नहीं पड़ता है, मुझे लगता है language doesn't matter, just the feeling. तो ये तो पंजाबियों वाली बात है, वो हो ही गई है, तो मैं पूछ ही लेती हूँ. ये मैंने इस बात का जिक्र भी किया था कि a lot of people ऐसा मुझे बोलते हैं कि यार जसलीन पंजाबी है, लेकिन पंजाबी वाली कोई बात तो है नहीं उसमें. तो मतलब कोई पंजाबी वाली बात जो जसलीन करती है, क्योंकि योर ऑफ कोर्स योर पर्सोना डजंट से कि ट्रू पंजाबी है, बट व्हाट डू यू डू टू प्रूव? मतलब यार मैं तो फुल पंजाबी हूँ यार, मतलब कि पंजाबी गाने गाती हूँ, कितना सारा फोक गाया मैंने. और पंजाबी वाली बात मेरे में ये है कि मैं वैसे आई डोंट ड्रिंक, लाइक आई यूज टू ड्रिंक बट नाउ आई डोंट ड्रिंक. बट कभी भी कोई पार्टी होती है तो मेरे अंदर पंजाबी आ जाता है कि यार एक पैग और पीना पड़ेगा, चाहे मैं ही पी लूं, पर मैं लोगों को पिलाती रहती हूँ. यार एक और लास्ट, तो मतलब वो लास्ट लास्ट करते करते चार बज जाते हैं. That's the most Punjabi thing in me कि बस आज last है, इसके बाद कभी नहीं होगा. और वो फिर it becomes like the most like a really long night for everyone. And like this I got from my parents कि मेरे को लोगों को खाना खिलाना बहुत पसंद है. अच्छा. So when like people keep coming to my house, ऐसे मेरे दोस्त हैं मनीष शर्मा from Yashraj and there are so many other people, they come to my house to eat आलू पराठास. क्योंकि हाँ, तो मेरे घर पे काफी ऑथेंटिक आलू पराठा बनते हैं, क्योंकि मैं पंजाबी हूँ. तो हाँ, तो ऐसे बहुत सारे लोग आते रहते हैं खाने वाने के लिए और ये सब. तो आई थिंक दैट्स द मोस्ट पंजाबी थिंग यार. तो ये करियर में भी कोई पंजाबीयत दिखाई है? मतलब जब किसी बड़े सेलिब्रिटी से मिले, या मान लो कि कुछ साइन कर रहे हैं या कुछ ऐसा, तो क्या मतलब डू दे एड्रेस यू एज अ पंजाबी कुड़ी या नहीं? As like a musician. I remember I was working on a project with Sunny Deol. तो उनके साथ काफी फील आ रही पंजाब पंजाब वाली, ऐसे वो मतलब ऐसे थोड़े वो ऐसी बात करते हैं, और दस की हाल है कुड़िये. अच्छा. And like I used to get my guitar, ऐसे बड़ा सा उनके ऑफिस में जा रही थी, बोलते थे तो ऐसे बोलते थे तेरे तो बड़ा था तेरा गिटार एक मुंडा रख ले. तो उनके 2.5 किलो के हाथ से डर तो नहीं लगा था? पोएट्री पढ़ने का भी जसलीन को शौक है, जो कि बहुत ही रेयर है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं ऐसा मतलब मैंने ये जाना और मुझे पढ़ने को मिला कि जैसे जो पंछी हो जावा यू सांग, वो भी मतलब शिव कुमार बटालवी, एंड उसके बाद भी मतलब आई थिंक दैट यू कंटिन्यू डूइंग दिस. तो ये बचपन से कोई पढ़ता था घर में, या फिर खुद से ये प्रेरणा मिली, मतलब क्या हुआ? आई थिंक माय मॉम यूज्ड टू रीड शिव कुमार बटालवी व्हेन शी वाज इन कॉलेज, तो उन्होंने एक दो बार मेंशन करा होगा. और हम बचपन से बहुत लिरिक्स पे ध्यान देते आए हैं गानों के. तो मेरी मॉम ऐसे ही ना पूछ रही थी बचपन में, ये गाना गा तो रही है, उसका मतलब पता है क्या है? तो देन यू शुड गेट वेरी इरिटेटेड कि यार मतलब गाने दो ना, इसमें भी पढ़ाई ही पढ़ाई. तो फिर वो ऐसे मेरे और मेरे भाई के बीच से कॉम्पिटिशन टाइप होने लगता था कि कौन बताएगा इसका सही मतलब. तो आई थिंक वो एक लिरिक्स का मीनिंग समझने की आदत वहीं से डल गई. एंड व्हेन आई वाज इन कॉलेज देन आई आल्सो गॉट शिव कुमार बटालवी पोएम्स ऑन द इंटरनेट. तो मेरे को एक बहुत लाइक वन पोएम रियली रेजोनेटेड विद मी,
तो उसी दौरान ना मैंने एक बुक पढ़ी थी जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, इट्स अबाउट अ बर्ड, इट्स अबाउट अ सीगल. तो फिर जब मैंने पंछी हो जाओ पढ़ी तो आई वाज लाइक आई मतलब वो मेरे दिमाग में बातें चल ही रही थी मैंने बुक में पढ़ी थी. तो आई जस्ट पिक्ड अप द गिटार एंड आई गॉट रियली इंस्पायर्ड. तो मैंने पोएम पढ़ी और साथ साथ में कंपोज करने लग गई मैं. एंड आई थिंक दैट्स हाउ माय फर्स्ट सॉन्ग वाज बोर्न. प्लीज सिंग फॉर अस बिकॉज़ उसके लिए तो अवार्ड भी मिला है, एमटीवी म्यूजिक अवार्ड. माय गॉड. बटालवी साहब के फैंस के लिए प्रस्तुत है. जी चाहे पंछी हो जावा उड़ता जावा गांदा जावा ऊंचू शिखरानू छुपा दुनिया दिया रावा पुके फिर कदे ना वापस आवा. जी चाहे पंछी हो जावा मानसरोवर दे बैकंडे टुटा जाए गीत में गावा. जी चाहे पंछी हो जावा मतलब मुझे ये इसलिए भी बोलना है क्योंकि मैंने जब ऑडिशन देखा था जसलीन पहला आपका, तो वो जो कॉन्फिडेंस था ना वो अमेजिंग रहा जब आपने वो गाना गाया था. फिर देखिए तो वो शेखर कपूर बैठे हुए हैं, मतलब जो शेखर कपूर बैठे हुए हैं वो बातें कर रहे हैं एंड यू आर लाइक हाँ या मुझे लग रहा है ये सही है. तो ये मतलब जो कॉन्फिडेंस था कॉलेज से आ रहे थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करिए या फिर घर वाले ही आपके कॉन्फिडेंट रखते थे? I don't know that was confidence or I don't know मतलब that's how I am as a person मतलब if it comes across as confidence I don't know मतलब थोड़ी सी तो फटती है सबकी. but that's how I've been like मेरको मतलब I thought that I was just go sing my song and I didn't expect much out of the show मतलब मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा like I was very much in the present moment की गाना गाती हूँ बस फिर मतलब जो होगा देखा जाएगा टाइम. हाँ हाँ मतलब I've always been very like because I think I've figured most of the things out on the way. तो मेरे को ऐसे चलते रहने और काम करने की बहुत आदत है. जैसे मैं कंपोज भी कभी करती हूँ तो I just go for a walk or go for a drive and figure it out. So I think that's how I figure it out. Like I have to figure it out on the way. करते करते तो उस शो में आपका कॉन्फिडेंस और आपके परफॉर्मेंसेस देख के ब्रेक मिला था बॉलीवुड में या बॉलीवुड में ब्रेक मिलने की क्या कहानी थी? मतलब पहला बंदा वो कौन था जिसने बोला था कि कम उससे बॉलीवुड में ब्रेक नहीं मिला था. उससे मुझे एक बहुत बड़ा हेड स्टार्ट मिला था. आई स्टार्टेड डूइंग गिग्स फॉर मनी. बहुत छोटे छोटे कम कम अमाउंट मिलती थी बट हाँ मतलब समथिंग इज बेटर देन नथिंग हुआ. तो फिर देना मैंने वो पैसे जोड़ इकट्ठा कर करके कभी कभी ऐसे कपल के टीज में परफॉर्म करना पड़ता था एनिवर्सरीज में बर्थडे पार्टी पे. तो बहुत ऐसे छोटी छोटी अमाउंट मिलती थी. आई यूज टू सेव दैट थिंग फॉर टू रिलीज माई सिंगल जो मैंने भी गाया पंछी जावा. सो आई पुट इट ऑन यूट्यूब एंड जस्ट पुट इट ऑन यूट्यूब और उस पर कुछ नहीं करा है. कुछ प्रमोशन कुछ मार्केटिंग की तो नॉलेज ही नहीं थी तब. सो आई थिंक इट ट्रैवल्ड the song traveled and reached some people in the industry jaise Swanand Kirkire. Unhone kafi support kiya mujhe hamesha.
उनको तक पहुंचा, उन्होंने फेसबुक पे डाला, तो ट्रीट सम पीपल. एंड देन वंस आई मेट रिया कपूर, शी वाज लुकिंग फॉर म्यूजिक फॉर हर फिल्म. तो उन्होंने सुना हुआ था, उन्होंने सॉन्ग सुना था पंछी उड़ावा, एंड देन शी सेड लाइक शी वांट्स टू डू समथिंग विद मी. पर वो बात वहीं खत्म हो गई. पर फिर उसके कुछ महीनों के बाद, 5-6 महीनों के बाद, आई वाज इन बॉम्बे फॉर सम मीटिंग और सम वर्क फॉर अ शूट और समथिंग. तो फिर मेरे को स्नेहा खानवालकर का फोन आया एंड शी सेड आर यू इन बॉम्बे. आई सेड वाओ, मतलब ऐसा नहीं है बॉम्बे आती रहती रहती थी कि मतलब लाइफ में दूसरी बार बॉम्बे आई होंगी, इंडियाज गॉट टैलेंट के बाद उस टाइम दूसरी बार आई होंगी. तो शी सेड फिर बॉम्बे कम ओवर. मैंने कहा वाओ ओके, आई कम ओवर एंड आई वेंट टू अ प्लेस एंड शी प्लेड मी द सॉन्ग प्रीत फ्रॉम खूबसूरत व्हिच रिया कपूर वाज प्रोड्यूसिंग. सो पहले हम बात कर रहे हैं सेमी प्रीत. हां, इट ऑल केम टुगेदर. सो आई डोंट नो, मे बी वो अपने वो एक रास्ता वो भी हो ही रहा था. मे बी फॉर मी टू यू नो गेट दिस सॉन्ग प्रीत आफ्टर अ फ्यू मंथ्स. सो दैट्स हाउ आई गॉट प्रीत. नाइस. तो अब जब व्हेन यू लुक बैक, तो क्या लगता है, क्या याद आता है सबसे ज्यादा, कि वो मेहनत याद आती है या फिर ऐसा लगता है कि नहीं टैलेंट था तो शायद रिकॉग्नाइज हो गया? आई थिंक मेहनत याद आती है एंड हाँ मेहनत याद आती है. मतलब इट वाज वर्थ इट. It was worth the while, and but I see, मतलब थोड़ा time लगता है, but my journey has been fruitful. थोड़ी मुश्किल भी रही है, ऐसे नहीं कि सब कुछ ऐसे ही मिल गया. It's taken its own time, but yeah, well, I got to work with so many people. नहीं नहीं. और जो anthem दिया है आपने dear ज़िंदगी में सबको, and अमित त्रिवेदी के साथ काम करना, तो how was that experience? क्योंकि इस नया कलंकर जो समझ में आ गया है, जिनको नहीं पता वो गैंग्स ऑफ वासेपुर की म्यूजिक डायरेक्टर है. और वैसे आपको पता ही होगा, बट या सो कमिंग ऑन टू अमित त्रिवेदी, अमित त्रिवेदी का तो मतलब लोगों का सपना है उनके साथ काम करना. तो हाँ जी, मुझे मैंने उनको फोन भी किया था दिल्ली में. मैंने 3 लोगों को फोन किया था, तो एक विशाल ददलानी, अमित त्रिवेदी और स्नेहा खानवालकर, कि मुझे आपके साथ काम करना है. हाँ ठीक है ओके. सो विशाल ददलानी के साथ अमित नहीं किया, बाकी लोगों के साथ किया. तो अमित त्रिवेदी ने बोला कि अच्छा ठीक है, आई एम श्योर लाइक मच बी गेटिंग सो मेनी कॉल्स फ्रॉम सो मेनी पीपल. तो उन्होंने ठीक है. बट फिर उसके बाद एमटीवी वीडियो म्यूजिक अवार्ड हुए एंड मेरे को अवार्ड जो देने आए वो अमित त्रिवेदी और अमित साथ थे. दैट इज लाइक ओ वाओ, लाइक आई कैन टेल हिम दैट आई कॉल्ड हिम, ताकि मेरे को थोड़ी हल्के में नहीं लगी थी, मतलब कुछ कर सकता. ओ नहीं, क्या बोला? तो मैंने उनको मैसेज करा, आई कॉल्ड यू एंड यू नो थैंक यू फॉर द अवार्ड एंड इट मींस अ लॉट टू बी रिसीविंग इट फ्रॉम यू. तो व्हिच आई मीन, तो उन्होंने बोला कि इट्स माय प्लेजर एंड कीप अप द गुड वर्क एंड जो भी होगा. फिर बात खत्म हो गई. फिर कुछ 3-4 महीने के बाद मैं बॉम्बे, मतलब बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी, तो उन्होंने उनके यहाँ से फोन आया कि दे वांट मी टू सिंग अ जिंगल. तो मैं जिंगल गाने गई और फिर वो मजा आया वाला जिंगल हो गया. फिर नेक्स्ट टाइम भी फिर से बुलाया उन्होंने, तो फिर मेरे को ना फिर से जिंगल विंगल होगा, मतलब ठीक है जाती हूँ जिंगल गाती हूँ. तो देन इट वॉज दिस सॉन्ग लव यू जिंदगी एंड एंड मैंने गा लिया. मतलब मेरे को लगा कि ठीक है, मतलब बस इनको अच्छा लगे. आई डोंट नो लाइक गाना कैसा है, गाना गाने का क्या होगा, अप्रूव होगा रिलीज. आई जस्ट डिडंट वांट टू डिसअपॉइंट हिम एंड मैंने गाया और मैं वापस आ गई घर पे. और फिर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स इट वाज रिलीज एंड आई डिडंट नो कि वो मेरी आवाज में गाना बाहर आने वाला है. एंड आई सारे गेटिंग सो मेनी कॉल्स सो मेनी पीपल एंड सो आनंद वाज द फर्स्ट वन टू कॉल मी. उन्होंने बोला कि भाई जो तेरे साथ हुआ है ना, लाइक जस्ट अप्रिशिएट, टेक अ ब्रेक एंड सेलिब्रेट, क्योंकि इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है बॉलीवुड में. लाइक इट्स अमित त्रिवेदी, इट्स आलिया भट्ट, इट्स शाहरुख खान, गौरी शंकर. बट यू आर सांग ब्यूटीफुली, थैंक यू. मेरे को बहुत डाउट हुआ था उस टाइम. मैंने जैसे भी गाया था, मैंने मैसेज भी करा था कि मैंने जब गाना सुना तो मैंने बोला कि आई यू श्योर, कैन आई कम रीड अ बिट. कुछ जब गाना रिलीज होता था ना, तो उसका एल्बम रिलीज होती है, वीडियो रिलीज होने में टाइम होता है. तो मैंने उनको बोला कि कैन आई प्लीज कम, ये टू ये 3-4 लाइन्स फिर से गा सकती हूँ. बोला कि नो, यू साउंडिंग टायर्ड, लेट्स नॉट टच इट. आई सेड आर यू श्योर, आई सेड जस्ट ट्रस्ट मी एंड ओके. तो मैंने उनको 1 हफ्ते के बाद मैसेज करा कि थैंक यू, आई थिंक यू आर राइट, आई शुड नॉट लाइक इंटरफेयर विद योर विजन. And now everyone knows कि संग रही हो, कि यहाँ तक कि वहां से स्टार्ट हुई जर्नी, संग रही हो इतना पसंद किया जा रहा है. That's your latest song. I'm sure मतलब बहुत सारी बातें उसके अराउंड भी हो रही हैं. तो
बिफोर कंक्लूडिंग आई वांट यू टू सिंग संग रही हो, और मुझे उसके बाद आप ये बता रहा कि सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट आपको इस गाने के लिए किसने दिया, मतलब टॉकिंग अबाउट द फ्रेटर्निटी. टॉकिंग अबाउट द फ्रेटर्निटी, आई डोंट रिमेम्बर नाउ. मतलब आई रिमेम्बर सानिया मल्होत्रा, शी मैसेज मी सेइंग दैट you know, like I when I listen to your songs or this song, I forget about all the worries in the world. So she told me, and Radhika, she's my friend. So unko bhi bahut pasand aaya, and she's like, I love it. Like she told me, this is my favorite part, and like she said, like it's very romantic and very beautiful. And I guess Lucky Ali ne bhi aapko bola. Lucky Ali, unhone mere director ko bola ki. It's a really, really, really beautiful song. So, meko kafi acha laga wo sunne mein, because like I'm a huge fan of Lucky. Yeah. So. Chalo sunte hain phir gaana. You conclude with sang rahi ho. Sure. Aavare kuch khayalon mein, bachkane se sawalon mein. समझे ना दुनिया, तू तो मुझको समझियो, समझ है दिल को कुछ भी ना करियो. आगे रहियो ना पीछे रहियो, मेरा रहियो प्यार बस मेरा रहियो. आगे रहियो ना पीछे रहियो, मेरा रहियो प्यार बस मेरा रहियो. संग रहियो संग रहियो, समझे ना दुनिया, तू तो मुझको समझियो. Thank you. Very nice. अच्छा one last thing. अब जो upcoming projects हैं, उसको अगर जरा सा कुछ बताना चाहें, कोई बम फोड़ना चाहें कि oh you want to going to listen this इस year में अब, या मैंने ये sign करा ली कुछ ऐसा. There's so many songs coming up. I think like a couple of my singles are coming, and then this movie I worked on, Sher Shah, starring Siddharth Malhotra and Kiara Advani. There's a song I've done, a very special song. तो ये सब आ रहे हैं अभी, काफी सारे songs बना भी रही हूँ. Like a lot of collaborations are happening. So yes. और lockdown में काम कितना किया ये बताओ. काफी काम किया. मतलब दूध लेके आए हो bread. हाँ. दूध ब्रेड घर का कोई काम लेने मतलब वो भी किया है. शुरू में तो सभी कुकिंग लाइक क्रेजी हो गए थे, ये बनाते हैं वो बनाते हैं बनाते, तो आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट. और जसलीन को घर में डांट किससे ज्यादा पड़ती है, मम्मा से वापस है? ना मतलब आई स्टे अलोन वैसे तो मेरे को ऐसे डांट वांट तो कमी पड़ती है. बचपन में बहुत पड़ ली है तो कोटा पूरा हो चुका है. Nice, good. All the best for your upcoming project. Thank you so much. Thank you so much. Yeah, too well. Thank Let's you. Again. Take care. I'll see you soon. Yes. Other releases. Sure. Bye. Okay, bye.